हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल, यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी ओपनिंग के बारे में, जो ओपनिंग है रिलेटेड टू DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। दोस्तों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से इजिली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने सोचा है कि अपने चैनल पे हम लोग एजुकेशन के साथ ही साथ ओपनिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगहों पे ओपनिंग रहती है और आप समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे ओपनिंग है और अप्लाई हो नहीं पाता है और फिर सिलेक्शन नहीं आता है। कई लोगों के मन में होता होगा कि सर PSU का कुछ जॉब का कुछ पता नहीं चलता, जैसे कि कोई ONGC ओपनिंग निकली, DMRC ओपनिंग निकली, पता नहीं चल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वीडियो के माध्यम से हम लोग वीक में एक बार जहाँ पे भी कहीं पर ओपनिंग अच्छी आती है आपके सामने वीडियो लेके आए और उसमें हम आपको बता दें किस तरीके से आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, साथ ही साथ किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। और आपको ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में कि वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मीन्स क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, DMRC ये हर साल आपके लिए ओपनिंग लेके आता है। आप सबने पीछे भी सुना होगा 2020 की भी ओपनिंग का फॉर्म आ गया है, तो उस फॉर्म के बारे में चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखना है और कैसे अप्लाई करना है। मैं जिस साइट से आपको दिखा रहा हूँ, साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग को वहाँ पर अप्लाई करना है और आप क्या चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके से वीडियो जाए। प्लीज़ अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो ओपनिंग है ये अवेलेबल है indiagovernmentjobs.in पे। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। DMRC 2020 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको जाना है। 1493 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। DMRC वैकेंसी 2020 फ्री जॉब अलर्ट फॉर इंजीनियर्स ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा 10th 12th सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। अब देखिए, जो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं, रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए 60 पोस्ट हैं, उसके बाद नॉन रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज के लिए 929 सीट्स हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्योंकि आपको पता है DMRC मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेता है, तो 106 ओपनिंग्स हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 398 सीट्स हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे जाइए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, और मैक्सिमम DMRC जो जॉब होती है वो सिविल के लिए होती है। एक अच्छी चीज़ आपके लिए ये होती है क्योंकि DMRC आपके लिए ही ज़्यादा काम करता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी रहता है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 28 ईयर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पे स्केल है वो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग है। मैक्सिमम ये है कि आपको लगभग 37,000 से ऊपर ही मिलेगा, और पे स्केल में इनके जो अलग से PF वगैरह रहते हैं वो सब अलग से इंक्लूड किए जाते हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सबके लिए अलग अलग है, आपके लिए भी इनफ है। और यहाँ पे ये देखिए, आपको मिनिमम 60% क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब 60% आपको कोशिश करना है आपका होना चाहिए, या CGPA होना चाहिए आपका, बी और BTEC जो भी किया है आप उसके इसके लिए क्वालिफाइड हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे ओपनिंग्स है। और दूसरे वैकेंसी जैसे कि मेंटेनर का है, तो वो ITI वाले अगर हैं तो वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CVT का टेस्ट होगा, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ स्किल्स सेट होगा, जिस काम के लिए आपको हायर कर रहे हैं, जिसके लिए आप ओपनिंग भरोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ स्किल टेस्ट लिया जाएगा। GD होगा, ग्रुप डिस्कशन, किसी एक पर्सनल टॉपिक दे दिया, कोई पॉलिटिक्स टॉपिक, कोई यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक दे दिया उससे रिलेटेड आपको होगा। और फिर मेडिकल एग्जाम तो सबके गवर्नमेंट एग्जाम में होता ही होता है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, 500 है, अलग अलग कैटेगरी से 250 SC ST के लिए है, और वोमेंस मीन्स गर्ल्स के लिए भी 250 रुपीज़ है। हाउ टू अप्लाई, और इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 13th 1st, अब ये क्या है, आप यहाँ पे जाके लास्ट डेट है इसकी, तो इससे पहले आप कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म पे क्लिक करके आप एक एक डिटेल फिल कर लीजिए। और डिटेल फिल करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा, तो डेफिनेटली हम लोग एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग सी वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम कैसे फिल करना है फॉर्म वो भी दिखा देंगे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं जिनकी ऑफकोर्स सैलरी अच्छी है यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी उनके लिए थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स होंगे आप सब मैक्सिमम बी किए होंगे तो आपके लिए ये नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है ये। और यहाँ पे सीनियर इंजीनियर्स हैं और अलग अलग ओपनिंग्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिविल में आपको यहाँ मिलेगा डिप्टी सिविल इंजीनियर। DMRC प्रोजेक्ट मुंबई के लिए भी ओपनिंग है और दिल्ली के लिए भी ओपनिंग है, तो यहाँ पे आके आप इजीली भर सकते हो अपने फॉर्म को। अब उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपको सिविल में यहाँ पे सर्वेयर की भी जॉब, सर्वेयर फॉर DMRC प्रोजेक्ट एट पटना। पटना में अभी आपको पता होना चाहिए मेट्रो का काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको वो सर्वेयर के रूप में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपके लिए ओपनिंग्स है, तो आप जाइए और फटाफट इस फॉर्म को भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, मैनेजर के लिए है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे हैं। दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारा ऑफकोर्स जॉब लगेगा। अगर आप सबको लगता है कि मुझे DMRC जैसे बड़ी कंपनियों में काम करना है तो डेफिनेटली आज ही अप्लाई कर लो, क्योंकि अप्लाई नहीं करोगे तो लास्ट डेट इसकी निकल जाएगी, और क्या बोलते हैं आप, हो सकता है कि आपने अप्लाई किया और आपका जॉब लग जाए इसमें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, क्या आप चाहते हो इस तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर होते रहें? और साथ ही साथ अगर आपको अभी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, एक जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स रहती है, पर हमें निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। आपको गवर्नमेंट में जाना है तो भी मेहनत करना पड़ेगा, आज के टाइम में प्राइवेट में भी बहुत मारामारी हो चुकी है, तो कंपटीशन तो हर जगह है दोस्त, पर अगर आप यूनिक रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा और आप सक्सेस होंगे, क्योंकि डेली कोई ना कोई तो सक्सेस हो रहा है, तो क्या पता कल आपका नंबर हो। तो हम लोग इस तरीके से इस चैनल पे और ढेर सारे अभी वीडियोस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आगे जो भी ओपनिंग्स आएगी उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आपको भी पता है कि कहीं पे ओपनिंग आपने देखा है तो नीचे कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।